लखनऊ के खिलाफ मैच से ठीक पहले मुंबई को एक साथ मिली तीन तीन बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अब एमआई का प्लेऑफ का टिकट हो गया है पक्का। जी हां दोस्तों, आखिरकार लखनऊ के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले मुंबई इंडियंस के लिए आई है एक साथ कौन सी तीन बड़ी खुशखबरी, साथ ही मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ का टिकट किस तरह हो गया पक्का, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस का 10वां जबकि आईपीएल 2024 का 48वां मुकाबला होगा। ये मुकाबला लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, यानी कि मुंबई इंडियंस के लिए चुनौतियां आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि मुंबई इंडियंस को अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए यहां से बाकी बचे सभी मुकाबलों में एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के लिए तीन बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। बात करें अगर पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में तो वह रोमारियो सेफर्ट को लेकर सामने आई है। रोमारियो सेफर्ट चोट की वजह से दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलने में नाकाम रहे थे। हालांकि अब सेफर्ट पूरी तरह से ठीक हैं और एमआई की टीम से वह फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। सेफर्ट लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर हैं। बात करें अगर दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में तो वह मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण को लेकर सामने आई है। दरअसल मुंबई इंडियंस के लिए अभी भी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के दरवाजे खुले हैं, बशर्ते मुंबई इंडियंस को अपने बाकी बचे पांचों मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करनी होगी। साथ ही उसे दुआ करनी होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने बाकी बचे मुकाबलों में से ज्यादातर मुकाबले हार जाए। अगर ऐसा होता है तो एमआई के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें और भी बढ़ जाएगी। तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो वह सूर्य कुमार यादव को लेकर सामने आई है। सूर्य कुमार यादव का शानदार फॉर्म देखने को मिला है। पिछले कुछ मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव का बल्ला खामोश रहा। हालांकि सूर्या ने प्रैक्टिस में चौको छक्कों की बारिश कर दी है। सूर्या का फॉर्म एमआई के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो तीन बड़ी खुशखबरी जो एमआई के खेमे के लिए आई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।